गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ एक ऐसे भौतिक विज्ञानी जिन्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और गर्म वस्तुओं द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के उत्सर्जन को समझाने में योगदान दिया जाता है। रॉबर्ट किरचॉफ ने ही 1862 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को गढ़ा, जिनके अवधारणाओं के कम से कम दो अलग अलग सेट्स को हम किरचॉफ लॉज के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनके और इनके एक सहयोगी रॉबर्ट बंसन के काम पर द बंसन किरचॉफ अवार्ड का नाम पड़ा। गुस्ताफ किरचॉफ का जन्म कोनिग्सबर्ग प्रशिया जर्मनी में 12 मार्च 1824 को हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रेडरिच किरचॉफ और माता का नाम जोहाना हेनरिट था। इनका परिवार मूल रूप से प्रशिया के इवांजेलिकल चर्च में लुथरेंस यानी वेस्टर्न क्रिश्चियन थे। गुस्ताफ किरचॉफ 1847 में अल्बर्टस यूनिवर्सिटी ऑफ कोनिग्सबर्ग से ग्रेजुएट हुए, जहां वे कार्ल गुस्ताफ जेकोब, फ्रेंट्स न्यूमैन और फ्रेडरिच रिचलॉट द्वारा निर्देशित गणित भौतिकी सेमिनार में भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वे बर्लिन चले आए। बर्लिन से प्रोफेसरशिप प्राप्त करने के कुछ वर्षों बाद ही किरचॉफ अपने सर्किट लॉज को फॉर्मुलेट कर चुके थे। किरचॉफ के सर्किट लॉज आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग में सर्वव्यापी है। किरचॉफ ने अपने सर्किट लॉज के अध्ययन को एक सेमिनार अभ्यास के रूप में पूरा किया, जो कि बाद में उनका डॉक्टरेट शोध प्रबंध बन गया। इस प्रकार उन्हें 1854 में हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, जहां उन्होंने रॉबर्ट बंसन के साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कार्यों में सहयोग किया। 1857 में उन्होंने गणना की कि एक बिना रेजिस्टेंस वाले तार में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइट के स्पीड से कैसे यात्रा करता है। दोस्तों, 1857 में ही गुस्ताफ किरचॉफ ने क्लारा रिचलडेल से शादी की, जिनके 5 बालक थे। क्लारा के निधन के बाद उन्होंने लुइस ब्रोमेल से शादी की थी। अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सपेरिमेंट के बाद 1859 में किरचॉफ ने थर्मल रेडिएशन के लॉ का प्रस्ताव रखा और 1861 में इसका प्रमाण भी दिया। साथ में किरचॉफ और बंसन ने स्पेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग किरचॉफ ने सूर्य में एलिमेंट्स को पहचानने के लिए किया, और इस प्रकार 1859 में स्पेक्ट्रोस्कोप के प्रयोग से पता चला कि सूर्य में भी सोडियम है। किरचॉफ और बंसन ने 1861 में सीजियम और रबिडियम एलिमेंट्स की खोज की, और हेडलबर्ग में उन्होंने मैथमेटिशियन लियो कोनिग्सबर्ग के साथ न्यूमैन्स के मॉडल पर एक मैथमेटिकल फिजिकल सेमिनार चलाया था, जिसमें वे अपने और बंसन के कार्यों का भी विस्तार वर्णन किया करते थे। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 लॉज को फॉर्मुलेट करके स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित लाइट और स्पेक्ट्रल कंपोजिशन का वर्णन करते हैं। किरचॉफ के ये लॉज डेविड अल्टर और एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम एनालिसिस का सहयोग करते हैं। 1862 में किरचॉफ को सोलर स्पेक्ट्रम की निश्चित रेखाओं और आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रा के ब्राइट लाइट लाइंस के इन्वर्जन पर अपने शोध के लिए रमफर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस प्रकार 1875 में किरचॉफ बर्लिन में विशेष रूप से थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए समर्पित पहले सम्मान को स्वीकार किया। बाद में किरचॉफ ने ऑप्टिक्स में भी योगदान दिया और मैक्सवेल के इक्वेशंस को हल करने के लिए हाइजेंस के सिद्धांत के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। 1884 में गुस्ताफ किरचॉफ रॉयल नीदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के फॉरेन मेंबर भी बने। 17 अक्टूबर 1887 में गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ की मृत्यु हो गई। किरचॉफ के विज्ञान में योगदान इलेक्ट्रिक सर्किट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आधुनिक विज्ञान को हमेशा विकसित करता रहेगा। आशा करता हूँ आपको यह बायोग्राफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।